सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आई वेलकम यू टू दिस अमेजिंग ट्यूटोरियल ऑफ इनसाइड मोशन पिक्चर्स। देखिए, बीच पे बैठे हैं, एंजॉय तो बनता है। लिटिल लिटिल स्पिल, थोड़ा बहुत ऐसे फैलाव चलता रहता है। इट्स लाइक एंजॉय, मजा मस्ती। दोस्तों, कलर ग्रेडिंग से पहले हम कलर करेक्शन करेंगे। इसका मतलब होता है कि जो भी कलर इधर उधर हो गए ना हमारे, ज़्यादा ब्राइट ज़्यादा डार्क हो गए फुटेज, थोड़ा सा टिंट आ गया उसमें, उसको ठीक कर लेंगे। तो पहले वो समझा देते हैं आपको, आ जाओ। सो प्रीमियर प्रो में आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो करनी है, एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। न्यू प्रोजेक्ट बना के फाइलों को कर लेना है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट करने के बाद फाइल से हम एक न्यू सीक्वेंस को क्रिएट कर लेंगे। सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद हमें अपनी जो वीडियो है उसकी सबसे पहले कलर करेक्शन करनी है। कलर करेक्शन मतलब समझते हो, कलर्स को ठीक करना। कलर्स को ठीक कैसे करेंगे, जो जैसे डार्क एरिया हो गए ना उनको थोड़ा सा उसमें डिटेल निकाल, ब्राइट एरिया हो गए ना उसमें थोड़ा डिटेल निकालनी है। मेन बात क्या है, डिटेल निकालनी है। ब्राइट में से भी डिटेल निकालेंगे, डार्क में से भी डिटेल निकालेंगे, और डिटेल निकालने के बाद फुटेज कुछ ऐसी होगी। देखो, इससे कहा था कलर करेक्शन। एक चीज़ और है, वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस समझते हो, थोड़ा वीडियो में कभी कभी टिंट आ जाए, वीडियो होती है ना शूट करते हैं उसको, कभी नीली हो जाए, कभी कभी ऐसे ऑरेंज हो जाए, तो अच्छी बात नहीं है ना यार, फुटेज अलग नहीं दिखनी चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वाइट बैलेंस को ठीक कर लेंगे। यहाँ से पिक लेंगे पिक टूल से, जो सबसे सफ़ेद चीज़ है, दूध जैसी चमकदार, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो है वाइट बैलेंस को करेक्ट कर देगा। चलिए, कलर करेक्शन हो गई। नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे दोस्तों, हम एक एडजस्टमेंट लेयर को फिर से, न्यू एडजस्टमेंट लेयर को फिर से अपनी पुरानी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर रखेंगे, और ये वाली लेयर यूज होगी कलर ग्रेडिंग के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अपनी एडजस्टमेंट लेयर का कलर भी चेंज कर सकते हैं ताकि वो डिफरेंशिएट हो जाए, कलर करेक्शन अलग, कलर ग्रेडिंग अलग। दोस्तों, भाई साहब, बीच में लट्स को भी आप यूज कर सकते हो। लुकअप टेबल, रंग बदलना, अपने हिसाब से रंगों को चेंज करना, मतलब अपने हिसाब से नहीं चेंज करना, मतलब एक प्रीसेट कलर्स का, जिसके हिसाब से सारे रंग चेंज हो जाएंगे, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। अभी बता देते हैं, आज कंप्यूटर में आओ ना यार। इसके बाद हम क्रिएटिव टैब में जाकर के लट्स कैसे यूज करते हैं, लट्स समझते हो, लुकअप टेबल कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो क्रिएटिव टैब में जाएंगे और वहां से जाकर के लोड करेंगे अपने लट को, जहां पर भी हमने उसको रखा हुआ है लुक को हम लोड करेंगे। जैसे ही वो हमने लोड की, उसके बाद हम उसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं ताकि उसके इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। कम रखना कम कर लो, ज्यादा करना है अपने अपनी समझ होती है। कई लोगों को ना ज्यादा चमक धमक पसंद होती है, ज्यादा तड़क भड़क। कई लोगों को बहुत शांत स्वभाव होता है, तो जैसे तुम्हें पसंद रहे वैसे इंटेंसिटी को कंट्रोल कर लेना। इसके बाद आप अलग अलग लट्स को यूज करके अलग अलग लुक्स अपने फुटेज को दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला, कभी लाल। लाल तो था ही नहीं, बोलने के लिए बोल दो, राइम में बनता है ना, राइम कोई चीज़ होती है यार, उसको चलते आगे। इसके बाद मेन चीज बिल्कुल हवा बहुत बड़ी चलती है आज बीच पे, मेन चीज RGB कर्व्स यूज करना। RGB कर्व्स, जिनका यूज करके आप किसी भी रंग को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अभी बता देंगे आपको, आ जाओ कंप्यूटर में आ जाओ। देखो, लट्स से तो हमने ग्रेडिंग करके देख ली, लेकिन लट्स तो बच्चे यूज करते हैं। जो लेजेंड्स होते हैं ना, लेजेंड्स, वो तो ह्यू सैचुरेशन कर्व्स का यूज करके अपनी कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कर्व है वो है ह्यू वर्सेस सैचुरेशन। इन तीनों टर्म्स को जरा ध्यान से समझ लो, ह्यू सैचुरेशन और लूमा। ह्यू मतलब कलर, सैचुरेशन मतलब कितना गाढ़ा कलर है, मतलब नीला, फीका नीला है, गाढ़ा नीला है, समझो। और लूमा मतलब कितना ब्राइट है, वो डार्क कलर है, ब्राइट कलर है, नॉर्मल कलर है, कैसा कलर कैसा है वो। तो जो सबसे पहली कर्व है ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, उससे हम किसी भी कलर को चूज करके उसकी सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारी कर्व्स हैं उसमें वो है ह्यू वर्सेस ह्यू, तो हम किसी भी कलर को सिलेक्ट करके उसके कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। नीले को पीला बना सकते हैं, पीले को लाल बना सकते हैं। और जो लास्ट कर्व है वो है ह्यू वर्सेस लूमा, जिससे कि आप किसी कलर को चूज करके उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो कलर डार्क हो जाएगा या फिर ब्राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नीचे दो कर्व्स और दी हुई है, लूमा वर्सेस सैचुरेशन और सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन, मतलब ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग भी किसी कलर की सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसकी सैचुरेशन के हिसाब से उसकी सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
मोती कुड़ सा गया ऐसे बोल के ना ऐसे हो गया यार, समझ लो। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ब्राइट पिक्सल है उसमें कलर कम है तो उसकी सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, किससे? लूमा वर्सेस सैचुरेशन का उसे। ऐसे ही मान लो कोई कलर फीका हो रहा हो तो उसके फीका जो फीका कलर है ना तो उसकी सैचुरेशन को भी बढ़ा सकते हो। ये लास्ट वाली कब यूज करके सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन। जिंदगी में कंट्रोल कर लेना चाहिए, उससे आपकी जिंदगी बची रहे। सारे एडिटर्स के लिए रामबाण इलाज कंट्रोल आ रहा है, दो एक जिंदगी की रवाए। इसके बाद जो नीचे वाली टैब है जो है कलर व्हील्स, बहुत सिंपल चीज़ है। शेडोज हाइलाइट्स और मिड टोन्स, शेडो मतलब डार्क एरिया, मिड टोन मतलब कि मीडियम राइट, और हाइलाइट्स मतलब कि ब्राइट एरियाज। इन तीनों कलर व्हील्स में आपके पास लेफ्ट साइड एक कंट्रोल है जिससे कि आप उसको डार्क या फिर ब्राइट कर सकते हैं। जैसे कि शेडो अगर आप डार्क करते हैं शेडो डार्क हो जाएगी, ब्राइट करेंगे शेडो ब्राइट हो जाएगी, डार्क एरिया जो है वो उठ जाएंगे, कलर थोड़ा उसमें डिटेल आ जाएगी। ऐसे आप मिड टोन्स और हाइलाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो व्हील्स हैं उनमें आप कलर व्हील को थोड़ा सा एडजस्ट करके या कहीं को भी शिफ्ट करके एक टोन दे सकते हैं। शेडोज को टोन दे सकते हैं, मिड टोन्स को और हाइलाइट्स को भी आप कोई टोन दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल हो गई यार, सिर पे चढ़ रही बातें। चलो कलर ग्रेडिंग करते हैं यार, बहुत हो गया सब। अगली जो चीज है हम कलर पाइलेट का यूज करके कलर ग्रेडिंग करेगा अन्ना। देखिए कलर पाइलेट एक ऐसी चीज होती है जिसमें कुछ कलर दिए होते हैं जिनका यूज करके आप अपनी फुटेज के कलर्स को चेंज करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कलर पैलेट को चूज किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 कलर्स हैं हमारे पास, 5 रंग हैं, जिसमें से एक तो वाइट ही है, एक है कुछ ग्रीनिश टिंट, एक येलो, एक ऑरेंज और एक रेड। तो हमारी फुटेज में जो भी कलर्स हैं उनको हम कन्वर्ट करके इन कलर्स में चेंज कर लेंगे। सबसे मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है हमें अपने कलर पैलेट को और अपनी कलर ग्रेडिंग वाले लेयर को लॉक कर लेना ताकि हम उन पर कुछ चेंजेस ना करें। जो भी चेंज हो वो हमारी कलर ग्रेडिंग वाली एडजस्टमेंट लेयर पर होंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सबसे पहले हम ब्लू कलर को चेंज करते हैं। जो यहाँ पर हमने ग्रीन कलर दिख रहा है तो हम ब्लूज को ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम ब्लू कलर की रेंज को सिलेक्ट करते हैं यू वर्सेज यू कर्व के अंदर और वहाँ पर हम उसे चेंज कर देते हैं हल्का सा ग्रीन टिंट। ऐसे ही हम उसकी जो सैचुरेशन है उसको भी ऊपर से कम कर देते हैं ताकि उस, क्योंकि हमारी जो शर्ट है ना ज़्यादा सैचुरेटेड थी यार, ज़्यादा कलर गाढ़ा था उसमें, अब वो ठीक हो गई है, बढ़िया कर दी उसको हमने। और लास्टली हम उसके ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं लूमा वर्सेस ह्यू वर्सेस लूमा कर्व में जाकर के। ऐसे ही जो हमारे ट्रीज हैं पीछे ग्रीन कलर हैं उनको हम कन्वर्ट कर देंगे हल्का सा येलोइश या फिर उसका भी ऑरेंजिश टोन भी बोल सकते हैं थोड़ा सा वैसे। तो हम जाएंगे और ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे ह्यू वर्सेस ह्यू कर्व में और उसको चेंज करके हल्का सा येलोइश गोल्डनिश टिंट दे देंगे, उसको हल्का सा और रिफाइन कर लेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर काम कर सकते हैं, अलग अलग नोड्स पर मल्टीपल पॉइंट्स बनाकर आप अपनी ग्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसे एक एनहांस्ड लुक दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट हम अपनी स्किन टोन को हल्का सा चेंज करेंगे जो कि रेड और ऑरेंज एरिया में होती है, तो वहां पर जाकर के हम अपने कर्व्स को चेंज करेंगे और हल्का सा स्किन को भी रेडिश और थोड़ा सा स्किन तो स्किन जैसी लगेगी यार, ज्यादा लाल ना लगे, ज्यादा पीली ना लगे, मीटर रखना उसको, ठीक है मीटर। इसके बाद हम अपने कलर व्हील्स को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद ये था हमारा बिफोर और ये है हमारा आफ्टर। तो इसी सेम फुटेज को हम कोई और कलर पैलेट यूज करके भी सेम प्रोसीजर से उसकी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं और ये वाली जो लुक है देखिए उससे कितनी डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर हमने जो ट्रीज हैं उनको येलो की जगह पर्पल टोन दिया है और हमारा जो कोट है और जो चश्मे हैं उन्हें हमें हल्का सा ग्रीन रखा उन्हें हमें, ठीक है समझ गए बेटे। अब हम एक और शॉट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, इसको हम देख रहे हैं, इसको भी हम सेम ही प्रोसीजर से थोड़ा सा ग्रेडिंग करेंगे। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पिंक कलर के फ्लावर्स भी हैं तो उनको हम रेड कलर का खरीदेंगे, पिंक को हम रेड खरीदेंगे। ब्लू कलर को जैसे आप देख सकते हैं पीछे दो कलर ब्लू है हमारे पास, एक थोड़ा सा श्यान कलर है, श्यान समझते हो आसमानी रंग, नीला आसमानी नीला, और एक थोड़ा सा गाढ़ा नीला है, दोनों को बैलेंस खरीदेंगे हम सेम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो कलर जब आप एक कलर पैलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि भाई अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं जो कलर व्हील में आसपास होते हैं, जैसे भाई श्यान हो गया, पर्पल हो गया, ब्लू हो गया, ये आसपास के कलर होते हैं, तो इनको हम एक टोनिंग दे देंगे ताकि मतलब जिस रंगों में थोड़ी सी एक समानता सी बैठ जाए, जिस शेप आँखों को देखने में बढ़िया लगता है, भाई बढ़िया चीज़ हम देख रहे हैं सामने हमारी एक अच्छी चीज़ है, तो ये सब चलता रहता है ज़िंदगी में। पिंक को लाल कर दिया,
और नीले को तीन तीन चार प्रकार के नीले थे उन्होंने, एक नीला कर दिया भाई। और जो हमारा कैरेक्टर है जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, उसको भी हमने हल्का सा एक जो टोन है उसकी चेंज करके हमने हमारे कलर पैलेट है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको बना लिया। ये भी हमने फिर वही यू सैचुरेशन कर्व का यूज़ करके कराया है, कुछ इसमें नया कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, बैठे बैठाए दो चार मिनट में ग्रेडिंग हो जाया करे। और दुनिया नू है रुपये लेने लाए रही 15-20 हज़ार रुपये, बता भाई 5 मिनट का काम कोई नहीं यार, ये सब हो जाता है ज़िंदगी में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, तो ये हो गई हमारी कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग। इसके बाद है मेन चीज़ उसका ब्रेक डाउन बनाना। तो ब्रेक डाउन के लिए क्या करना है अब बता देते हैं आपको। कंप्यूटर में आ जाओ। कलर ग्रेडिंग का ब्रेकडाउन बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी जो बेस लेयर है उसको डुप्लीकेट कर लेंगे। ऑल्ट दबाइए, लेयर को सिलेक्ट कीजिए, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके टॉप पे ले आइए। यहाँ पर आपने उसको रख दिया है तो ऊपर हमारी मेन लेयर है और नीचे हमारी ग्रेडेड लेयर है। तो मेन लेयर के ऊपर हम क्रॉप इफेक्ट CROP टाइप करके यहाँ पर CROP लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉप इफेक्ट आ जाएगा। उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऊपर जो हमारी लेयर उसके ऊपर, और उसको हम क्रॉप कर देंगे लेफ्ट या राइट साइड से। देखिए जैसे हम उसे क्रॉप करते हैं तो हमें ग्रेडेड लेयर नज़र आती है, क्रॉप नहीं करते हैं तो हमें ओरिजिनल फुटेज नज़र आती है। तो इससे आप एनिमेट कर सकते हैं की फ्रेम लगाकर। यहाँ पर अपने स्टॉप वॉच को क्लिक कीजिए, की फ्रेम लगाइए, आगे जाइए, वहाँ जाकर के अपनी वैल्यूज को चेंज कर दीजिए। अगर आप पीछे जाके इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पर हमें बिफोर आफ्टर नज़र आ रहा है। इसके बाद एडवांस्ड ब्रेकडाउन, बिल्कुल एडवांस कि भाई एकदम हाई लेवल कलर ग्रेडिंग कैसे करना है अभी बता देते हैं आपको। कंप्यूटर में आ जाओ। कंप्यूटर में आ जाओ। अरे यार साहब मेरे को हंसने के। कंप्यूटर में आ जाओ। एडवांस ब्रेकडाउन देखना चाहोगे? एडवांस ब्रेकडाउन बहुत सिंपल चीज़ है। देखो दुनिया का बावली बुझ बनाओ, पैसे जितने मर्जी लो चाहे फिर, समझ रहे हो कैसे करना बता देते हैं। देखो भाई ये हमारी फुटेज हमने यहाँ पर ऐसे क्रॉप कर रहे मजा से नहीं आ रहा, सिंपल है फुटेज ग्रेडिंग हो गई ठीक है। लेकिन यही फुटेज अगर देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये फुटेज मैंने सिलेक्ट कर ली भाई, यहाँ अगर मैं जाके कलर में और बेसिक करेक्शन में अगर मैं जा करके इसका कॉन्ट्रास्ट कम कर देता हूँ मान लीजिए, और इसकी सैचुरेशन कम कर देता हूँ। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अब अगर आप यही जो आपका ब्रेकडाउन है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ज़बरदस्त ब्रेकडाउन भाषा, वो हो कैसे कर दिया इन्होंने, इतने कलर कैसे डाल दिए, इतना ज़बरदस्त कैसे। तो दुनिया के वाली यूज़ बनाओ रपिए फिर से जितने मर्जी लो भाई। ये था एडवांस ब्रेकडाउन। चलते हैं बीच पर हमारे दोस्त के पास, लेट्स गो। कैसा लगा आपको बेहतरीन ट्यूटोरियल कमेंट करके बताएं, और कैसे ट्यूटोरियल आपको चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। हैंगओवर उतार के आता हूँ। नींबू तैयार कर ले भाई, नींबू का पानी तैयार कर ले, चाट लेंगे थोड़ा सा नींबू चाट। आप इंजॉय कीजिए, मैं अपना इंजॉय चला ठीक करके आता हूँ। मिलते हैं आपको अगले ट्यूटोरियल में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। ये बीच में हवा बहुत अच्छी चल रही है आज। इस वीडियो में ब्लूपर्स ढूंढने वालों को मैं बताना चाहूँगा, वीडियो नहीं थी ये, देखो ट्यूटोरियल थोड़ी था यार, ये तो अपने आप में एक ब्लूपर है। ब्लूपर देख रहे थे तुम, तुम्हें लगा तुम ट्यूटोरियल देख रहे हो। धोखा हुआ तुम्हारे साथ, गद्दारी, पीठ में छुरी मारी गई है तुम्हारे। ब्लूपर, ये एक ब्लूपर है, इसे एक ब्लूपर माना जाएगा, बस इतना ही था। ये ब्लूपर छोटा ब्लूपर, एक नन्हा सा ब्लूपर, एक लिटिल, एक ब्लूपर ब्लू। ऐसा क्या कर रहा है? अयो ये लड़का ये चाहता मैं साउथ इंडियन एक्सेंट में बात करूं। लेफ्ट या फिर राइट से आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट जो मेरा क्रॉप है उसको अगर मैं स्लाइडर को 0 से चेंज करता हूं आगे की तरफ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तो सारा ही क्रॉप हो गया यार, गलत हो गया, फिर से करते हैं। टू दिस अमेजिंग ट्यूटोरियल, बेहतरीन ट्यूटोरियल में ऑफ माय न्यू खुल नहीं रही है यार, ये तो ब्लूपर शुरू हो गए। दोस्तों सबसे पहला शॉट हमेशा ब्लूपर से शुरू होता है, ये एक लेवल है। अबे पीछे तो ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है यार, पर साले मैंने अब तक देखा। अरे मेरे को बोल रहे थे बीच है बीच है, हरा पर्दा लगा के खुराना का माल पहना रहा है कैल्विन क्लीन क्लीन बोलकर। ये है समाप्ति इन ब्लूपर्स की। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।
वीडियो समाप्त हो चुकी है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको, बाय बाय, दिस इज एके वासानी ऑफ।